हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 24 नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो अपडेट आपको लगातार मिल सके। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लेटेस्ट जॉब रिक्रूटमेंट के बारे में, जो कि निकाली गई है रेलवे रिक्रूटमेंट के द्वारा। यहां पर जो पोस्ट है वो आपके पैरामेडिकल पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है, तो इसके लिए आप कर पाएंगे अप्लाई ऑनलाइन। तो जानते हैं क्या है इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में और क्या है इसकी फुल डिटेल, तो आइए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन CE02/2019, जो कि रिक्रूटमेंट है आपके पैरामेडिकल कैटेगरीज के लिए, तो इसके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपका जारी हो गया है। इंपोर्टेंट डेट की अगर बात करें तो यहां पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपके 4 मार्च से स्टार्ट है और लास्ट डेट आपकी 2 अप्रैल 2019 रहने वाली है, और आप जो है लास्ट सबमिशन जो है एप्लीकेशन का कर सकते हैं 7 अप्रैल 2019 तक। आपकी जो CBT है वो आपका फर्स्ट वीक ऑफ जून 2019 में कंडक्ट होगी। अब बात करें इसके पैरामीटर्स के बारे में, तो यहां पर सबसे पहले वैकेंसी डिटेल आपको मिल जाती है, जहां पर आपको नेम ऑफ द पोस्ट दी गई है। तो यहां पर आपको कैटेगरी दी गई है, लेवल एज पर 7 CPC आपको दिया गया है, इनिशियल पे आपको दिया गया है, साथ में मेडिकल स्टैंडर्ड दिया गया है, और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको दी गई है जो कि पोस्ट वाइज है। यहां पर टोटल नंबर ऑफ गार्ड टोटल की अगर बात करें तो 1937 वैकेंसी आपकी यहां पर निकल कर आती है। फ्रेंड्स, यहां पर जो आपका रजिस्ट्रेशन करने के जो लास्ट डेट रहेगी 2 अप्रैल 2019, वहां तक आपकी जो LGT कंडीशंस है, क्वालिफिकेशन है, वो कंप्लीट हो जानी चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। एज की बात करेंगे तो यहां पर देखिए 1/7/2019 को आपकी एज काउंट होने वाली है। उसके लिए फ्रेंड्स आपको यहां पर पैरामीटर दिए गए हैं, तो देखिए एज ग्रुप आपको दिया गया है, जैसे सीरियल नंबर 1 में 18 से 30 साल दिया गया है, सेकंड 18 से 35 साल है, 18 से 33 साल है, ऐसे आपको एज ग्रुप यहां पर मिल जाते हैं। तो यहां पर आपके लोअर एज लिमिट है और यहां पर आपकी अपर एज लिमिट है, जो कि कैटेगरी वाइज आपको दी गई है। अब किस पोस्ट के लिए कौन सा ग्रुप लगेगा उसके बारे में हम आगे बात इसके बारे में करेंगे। यदि आप अपर एज में छूट चाहते हैं तो आपका OBC SC ST एक्स सर्विसमैन PWD कैंडिडेट होना अनिवार्य है, उसके बाद ही आप इसमें छूट ले पाएंगे। अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो मिनिमम जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन, टेक्निकल या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जो भी आपसे मांगा गया है वो आपकी क्लोजिंग डेट तक कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और क्या मांगा गया है एजुकेशन क्वालिफिकेशन में, उसके बारे में अलग से इसमें जो है टेबल दी गई है, तो उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। एग्जामिनेशन फीस जो सेम है रेलवे की, ₹500 फीस है अदर कैटेगरी जिसमें जनरल ओबीसी आती है, यहां पर आपके ₹400 रिफंड कर दिए जाएंगे फर्स्ट CBT अपेयर करने के बाद। उसके बाद जो ₹250 फीस है वो SC ST एक्स सर्विसमैन PWD फीमेल ट्रांसजेंडर कैंडिडेट को या माइनॉरिटी या EBC कैंडिडेट को लगने वाली है, और ये फीस आपके CBT कंडक्ट होने के बाद आपको रिफंड कर दी जाएगी और ये ऑनलाइन मोड में आप इस पेमेंट को जमा करा पाएंगे। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं इसके रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में, तो यहां पर देखिए आप एक ही ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है सबमिट कर सकते हैं। CBT मोड में आपका सिलेक्शन होगा, जो कि 90 मिनट का आपका पेपर होने वाला है, 100 क्वेश्चंस आपके यहां पर आएंगे। अब फ्रेंड्स क्या क्या क्वेश्चंस आएंगे, किस किस सब्जेक्ट से आएंगे, तो उसकी डिटेल भी आपको यहां पर दी गई है। तो प्रोफेशनल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, जनरल अर्थमेटिक, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग और जनरल साइंस रिलेटेड क्वेश्चन आपके आएंगे। तो यहां पर जो मेजर पार्ट है वो आपके प्रोफेशनल एबिलिटी का है, जिसमें आपके 70 क्वेश्चन 70 मार्क्स के रहेंगे। बाकी जो भी टॉपिक है उसमें 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के आपके आने वाले हैं। तो यहां पर जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो 100 रहेंगे और मार्क्स जो अलॉटेड है वो भी आपके 100 ही है। अब यहां पर जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/3 की आपकी रहेगी। उसके बाद जब आप इसको कंडक्ट कर लेंगे तो DV और उसके बाद मेडिकल एग्जाम आपका होगा, उसके बाद आपका इसमें फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो यहां पर मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स भी आपके रखे गए हैं, जो कि जनरल ओबीसी SC ST यहां पर आप देख सकते हैं। अगर आप फ्रेंड्स बात करें इसके सिलेबस के बारे में, तो वो भी आपको इसी नोटिफिकेशन सेक्शन मिल जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में और एज क्राइटेरिया के बारे में। तो फ्रेंड्स पेज नंबर 39 पर आपको यहां पर पोस्ट पैरामीटर देखने को मिल जाता है। तो यहां पर देखिए आपको नेम ऑफ द पोस्ट आपको दी गई है, साथ में लोअर एज अपर एज भी मिल जाती है, मेडिकल स्टैंडर्ड आपको दिया गया है, और साथ में मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको दी गई है। तो आपके पास जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है मिनिमम ये आपके पास होनी चाहिए, जो भी डिटेल आपको इसमें पोस्ट वाइज दी रखी है, उसके बाद ही आप इसमें एलिजिबल हो पाएंगे। आपकी कब तक ये कंप्लीट होनी चाहिए उसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। तो यहां पर 10
टू प्लस में डिप्लोमा, कोई पे टेक्निकल नॉलेज या प्रोफेशनल नॉलेज जो भी आपसे मांगी गई है, आपकी पोस्ट वाइज आप जिसमें एलिजिबल हैं उसकी डिटेल को आप यहां पर चेकआउट कर सकते हैं। साथ में आरआरबी वाइज, रेलवे वाइज आपको यहां पर वैकेंसीज प्रोवाइडेड है, तो आप वो भी यहां पर आराम से उस चीज को देख सकते हैं कि आप किस आरआरबी में जो है अप्लाई करना चाहते हैं। उसके बाद 49 पेज पर आपको सिलेबस मिल जाता है वेरियस पोस्ट के लिए जो कि पैरामेडिकल कैटेगरीज में आपको डिवाइड की गई है। तो देखिए यहां पर आपको पोस्ट दी गई है, साथ में आपको यहां पर सिलेबस देखने को मिल जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स जो सिलेबस है जो कि आपके सभी डिटेल के बाद जो आपका जो सेकंड जो पार्ट बचते हैं जिसमें आपके जनरल अर्थमेटिक होगी, रीजनिंग होगा, अवेयरनेस होगा और जनरल साइंस होगी, उसकी डिटेल भी आपको यहां पर प्रोवाइडेड है। मतलब इन शॉर्ट क्या है, सभी डिटेल आपको इसी नोटिफिकेशन सेक्शन में देखने को मिल जाती है। अब आपको करना क्या है, आपको आना है वीडियो डिस्क्रिप्शन में, वहां पर हमने आपको इसकी सभी डिटेल शॉर्ट में अवेलेबल करा दी है। तो यहां पर आकर आप इसकी डिटेल को चेकआउट कर सकते हैं। साथ में हमने आपको इसका अप्लाई ऑनलाइन लिंक, नोटिफिकेशन लिंक, ऑफिशियल वेबसाइट लिंक सभी आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। तो अगर आप चाहें तो आप डायरेक्ट रेलवे की वेबसाइट पर जा सकते हैं या फिर आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में आके इसको भी चेकआउट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हमने बात की रेलवे पैरामेडिकल की रिक्रूटमेंट के बारे में। आशा करता हूं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए A24 नॉलेज एंड लास्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।